Good morning students. Today we are going to start our chapter number 26 homophones and homonyms. Okay? तो इस chapter में आपको homophones and homonyms जो आपके words होते हैं उनके बारे में आपको सीखना है. ठीक है बच्चों? तो देखो question number A and question number B इस chapter में है. तो question number A हम read करते हैं. Homophones are words that are pronounced the same but have different spellings and meanings. Complete each sentence by choosing the correct homophones and write it in the blank. Okay? So students, homophones कौन से word होते हैं हमारे? Homophones words होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन है वो सेम होता है. उनका प्रोनंसिएशन कैसा होता है? सेम होता है, बट उन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है, स्पेलिंग होती है, वो डिफरेंट होती है. ओके? कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स. तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट होमोफोन्स वर्ड को चूज करके ब्लैंक में फिल करना है एंड जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है. ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, आफ्टर ही वॉज सिक फॉर सेवरल डेज हिज फेस वॉज पेल. ओके? एंड ब्रैकेट में लिखा है PAIL, पेल, एंड PALE, पेल. तो स्टूडेंट्स, जो PAIL पेल है उसका मतलब होता है बाल्टी, बकेट. ओके? एंड जो दूसरा वर्ड है PALE, पेल, उसका मतलब होता है येलो, पीला पड़ना. ओके? तो ये जो सेंटेंस है वो है आफ्टर ही वॉज सिक, मतलब वो जब बीमार पड़ा, उसको फीवर आया, तो उसके बाद फॉर सेवरल डेज, ठीक है, बहुत दिनों तक वो बीमार पड़ा, तो हिज फेस वॉज पेल, उसका जो चेहरा है, उसका फेस है, वो कैसा हो गया? पीला पड़ गया. ठीक है? तो यहाँ पे करेक्ट जो वर्ड है वो कौन सा होगा? PALE, पेल. ठीक है? येलो पड़ना मतलब. क्यों? क्योंकि PAIL, पेल का मतलब क्या हो जाएगा? बाल्टी. तो बाल्टी नहीं आएगी यहाँ पर, ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हम PALE, पेल लिखेंगे. ओके? अब है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन. द बेकर सिस्टमैटिकली नीडेड द डैश फॉर द ब्रेड. तो जो बेकर होता है वो सिस्टमैटिकली जो उसका उसको नीड मतलब उसको ऐसे गूंदना, ठीक है, फॉर द ब्रेड, ब्रेड के लिए गूंदता है. क्या गूंदता है? क्या बनाता है? क्या उसको मसलता है? है ना? आप अपने हैंड्स से उसे मैश करना जिसे आप कहते हैं, वो होता है नीड. ठीक है? तो क्या करता है बेकर? देखो DOE, डोई यहाँ दे रखा है, डो. तो डो क्या होता है? फीमेल जो आपका हिरण होता है ना, जिसे आप हिरनी बोलते हैं, डियर, है ना, वो होता है आपका डो. एंड DOUGH, डो, ये क्या होता है आपका? डो होता है आपका आटा, है ना. तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? DOUGH, डो. तो मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया है, मतलब जो आटा लगाता है वो क्या लगाता है? ब्रेड के लिए बेकर आटा लगाता है सिस्टमैटिकली. ठीक है? एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका, आई वुड रादर रिसीव माई डैश इलेक्ट्रॉनिकली देन ऑन पेपर. ओके? अब यहाँ लिखा है मेल, दो वर्ड है MALE, मेल, एंड है MAIL, मेल. तो MALE, मेल का मतलब होता है आदमी, पुरुष. ठीक है? है ना? पुरुष जो होता है, आदमी जो होता है, वो होता है मेल. एंड MAIL, मेल का मतलब होता है कोई भी मैसेज. ठीक है? है ना? आप मैसेज समझ सकते हैं कोई भी. तो यहाँ क्या आएगा? मैंने इसका मतलब है I would rather receive my mail, मतलब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो प्राप्त किया है, किस पर? पेपर पे. ठीक है? तो मैंने यहाँ पे करेक्ट लिखा है ऑप्शन मेल. ओके? एंड हमारा है यहाँ पर बी, होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग्स एंड द सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स.
सो स्टूडेंट्स, जो होमोनिम्स होते हैं वो कैसे वर्ड होते हैं, उनकी जो स्पेलिंग होती है एंड उनका प्रोनंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बट उनका जो मीनिंग होता है ना, डिफरेंट मीनिंग होता है, मीनिंग उनका अलग अलग होता है। कई टाइम्स में हम उन्हीं स्पेलिंग का हम अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड है ग्लासेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इनके टू मीनिंग्स लिखने हैं कि इनके टू क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। जैसे ग्लासेस यहाँ लिखा है, अब ग्लासेस का मतलब हो सकता है ग्लास जिसके अंदर आप पानी पीते हैं, ओके, तो जिसमें आप पानी पीते हैं, एंड एंड दूसरा आपका होता है एक ग्लासेस स्पेक्टिकल्स जिसे आप लगाते हैं आइस पे। तो यहाँ पे टू टाइप्स के आपके हो गए हैं, एक तो ड्रिंकिंग कंटेनर आप कह सकते हैं और एक बोल सकते हैं अ हार्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके। तो ड्रिंकिंग कंटेनर का मतलब हो गया पानी पीने के लिए आप जो ग्लास यूज़ करते हैं वो, एंड अ हार्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब हो गया है ग्लासेस, जो शीशे जो आपके विंडोज़ पे लगे होते हैं। तो मैंने तो आपको थ्री थिंग्स बता दी, लेकिन आपको यहाँ पे टू ही लिखनी है, ओके। तो इस तरह से आप बुक, बियर एंड लेफ्ट, इनके लिए भी आप खुद से लिखेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर ए एंड बी आप कंप्लीट करेंगे, ओके।